इस बेंच पे तो खड़ी हो, दूसरी पे जाकर बैठ। मैं तो यही बैठूंगी। खड़ी हो जा, नहीं तो। नहीं तो बताऊं? बताइए। हैं तन्नी मेरे चाटा मारा। उई क्या शोर मचा रखा है ये? मैडम मैडम, वीरू ने जस्सी के चाटा मार दिया। क्यों जस्सी चाटा मारा? नहीं मैडम जी। बुल्ली तुम बताओ, तुम तो इसके नजदीक बैठे हो। मैडम जी मैडम जी, वीरू ने मारा ना, बस मुंह ही गालो कुछ हुआ। खामोश, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। इधर आओ और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तुम भी। मैं भी। हाँ हाँ तुम भी। तन्ने मना क्यों करा? यह हमारी आपसी लड़ाई है। तुमने हाथ नीचे क्यों किए? मैडम वीरू को खुजा लग रही थी। तो तुमने हाथ नीचे क्यों किए? मैं खुजा रहा था। चुप, बिल्कुल चुप। चलो हाथ ऊपर करो। इस बार हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। जस्सी वीरू तेरे से इतनी बदतमीजी करे तब भी तू छुपाती रहवे, के बात है? तू नहीं समझेगी सुधा, ये मेरी मियाऊ की मजबूरी है। मियाऊ की? मियाऊ? हाँ, ये कमबख्त दिल। चलो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लो। और तुम दोनों, अब ये दोनों कहाँ मर गए? पेट तो भर गया, अब थोड़ा सा आराम कर लिया जावे। अबे ये टिफन, टिफन घर दे सबके बस्तों में, हालांकि खीर पूरी। आज तो खीर पूरी लेके आई हूँ, बस तो आज खीर पूरी ही खाई जाएगी। आधी छुट्टी होने दे, बस से पल्ली क्लास में रखे हैं। कोई शोर मत करना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा तो दोनों शैतान यहाँ पर सोए हुए हो। तुमने तो हद कर दी, मैं तुम दोनों को अपनी क्लास में नहीं रख सकती। थैंक यू मैडम, हम तो खुद भी क्लास में बैठने को राजी ना। चुप बदतमीज, कल तुम दोनों अपने घर से किसी को बुला कर लाना, नहीं तो तुम दोनों कल से स्कूल नहीं आना, समझे? मरवा दिए भूरी बिल्ली ने। अबे बिन्नू ना बैठे, अब या सोच कि कल की कैसे होगी, घर वाले तो तड़की तड़क चलता कर देवे, हम कहाँ जाएंगे? अरे मेरी समझ में तो नुआरा, इस मामले को जय संभाल सके अगर मान जाएगा तो। मान जाएगा? अरे मानेगा, मानेगा क्यों ना मानेगा, जय भाई है मारा। और देख न मानेगा तो मनवाएंगे। सुधा पता नहीं कौन सा छूट रहा बेशर्म कहीं का, रोज सारी रोटी खा जा। मैं तो कहूँ जो भी हमारी रोटी खावे उसके दस्त लग जाए, हैजा हो जाए, कब्ज हो जाए, भगवान करे उसके कच्चे में लिगड़ जाए। रहने दे, रहने दे, घनी बकवाद ना करे, रोज सूखे टिकड़ ला रही है। अर्दिक बद्दुआ तो ऐसे दे रही है जैसे कि रोज पकवान लाती हो, हलवा पूरी लाती हो। तो तेरे भी कुछ जोर पड़ रहा, मैं कौन सा तुझे कह रही, मैं तो उसे कह रही जो हमारा खाना खा जावे। वैसे कभी हमारा टिफिन देखा, राल टपक जाओगी राल। रोज खा रहे हैं रोटी टिप्पण खोल के, अपने अपने टिप्पण खोल के अपने। बस्ता तो कभी लाते ना हो, फिर टिफिन काय में लाए करो। टिफिन यू पड़ा, बस्ता यू पड़ा, यू की पड़े तेरा लाल। थारी तो आदत है बात बनाने की, तुम्हें पता कितना काम करे वो। और तड़के से जा रहा कुछ खा के भी नहीं गया, भूख का ही फिरता होगा। हाँ यू तो कतई ठीक कह रही, ये दोनों भूखे रह रहे के ही तो सांड पड़ गए। माँ जय कहाँ है? अरे क्या है, जय जय जय, कुछ खा पी ले। और नू बता छे टिफन मंगा रखे, रोटी एक दिन नहीं ले गया तू। तू रोटी की चिंता मत करे, नू पता जय कहाँ, रोटी तो सभी लावे। अरे उसे खेत में छोड़ गया था मैं, वो कौन सा घाट है, आता होगा पीछे पीछे। अरे सुनता हो वीरू, अरे रुक तो, माले समझी कुछ के? यू जो रोटी पानी छोड़ के और जय को ढूंढता फिर है, राड है कुछ ना कुछ।
भाई थक गए भाई, अब बस की नहीं है भाई। यू आ लिया भला भला, धक्का गाड़ी में यू लगाएगा। क्यों तू मामा लगा है मेरा? रुक जाओ, मैं देखूंगा इसे। मारा पिट्टी पहले करते बाद में करते बक बक।
हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, हम दोनों हैं नटखा। अरे भाई सो गया के? ओए, अरे सुन क्यों ना देता है? मैनू याद द्वारा तड़की स्कूल में आना है, तड़की आना है ना? अब क्या बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। फिर सुन क्यों ना देता है? नींद खराब करने लग रहा। जब कह दी ठीक है आ जाऊंगा, काम तो कुछ है ना, चल रहे तड़की स्कूल में उठ के। अरे के को सिर्फ सिर रहे तो ओ गधे के बच्चो, सुनो सुन दे मुझे। ओए अरे सुन, ये तू अगर अपनी रिश्वत पहले लेना चाह रहा है ना तो ये पकड़ 100 रुपए, 50 मेरे और 50 बुल्ली के। ये पहले से ना दे सके था हैं, अब लो तो काम हो जाता। अरे पड़ जाओ तो तड़की तड़की जाना मुझे खेत में, पढ़ना दे। सभी बच्चे ये ट्रांसलेशन करके दिखाएं। जी मैडम। और तुम, मैंने घर से किसी को बुला के लाने के लिए कहा था, लाए हो? जी बड़ा भाई आपका। क्या? जी मेरा मतलब बड़े भैया आ रहे हैं। और बुल्ली तुम्हारे घर से कौन आ रहा है? जी मेरे बारे में उनसे ही बात कर लियो। क्या मतलब? मतलब के यू बेटा तेरे बस की ना सांग, बैग गियर लगा ले और उल्टा हो ले। यार 100 रुपए लिए हैं, झेलना ही पड़ेगा मामला। अरे वीरू तो मिलना है। वीरू कौन? कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? बारहवीं में। बारहवीं में? अच्छा तुम वहां बरामदे में जाकर बैठो, मैं लाऊं बुला कर। ठीक है ठीक है। कह दिए जे आ गया, कोई चिंता नहीं है। देखो बेटा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, ठीक है? और हाँ, क्लास में शैतानी नहीं करना, अगर आप शैतानी करोगे तो मैडम आपको डांटेंगी, ठीक है? अब आप जाओ। तुम कितने पैसे लेके आई हो जी? जी मगा इस काम की निया, शिकायत की निया, क्या पैसे लेके आई हो? वैसे इन मैडमों की अगर मानना लगे तो पढ़ लिए बालक, खुद तो सारे दिन ये बात करें हैं? बालकों की पढ़ाई के हो, सूटर वूटर बुनती रहें, अपना टाइम पूरा करें, गवर्नमेंट तनख्वाह देवगी? अरे आड़ दंगा बालक ना करेंगे तो बुढ़े करेंगे के हैं? इसलिए मैं तो 100 रुपए लेके आया हूँ। हैं बताओ मैडम। हाँ हाँ मैडम, धोरे भी चलेंगे, कुर्सी का हिंडोला बना रखा होगा, लग रही होगी झुल्लन, सारे पेज ढीले कर रखे होंगे कुर्सियों के, हैं? जय तो है हमारी मैडम। आई आई है मैडम तो के फांसी तोड़ेगी। मैडम अजी पहले क्यों ना बताई तुमने, तमी मैडम हो तुम? रुके हो तब ना, कहीं ब्रेक लिया तुमने? वैसे कुछ गलत तो ना कह दिया जी हमने? नहीं नहीं, तुमने तो सारा सही कहा, हम पढ़ाते कहाँ हैं, हम तो कुर्सियों पर झूला झूलते हैं। अजी अब सब थारे जैसी थोड़ी हैं। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, तुम्हारा ये भाई बिल्कुल पढ़ता नहीं है। अजी हम तो इस पे कुछ करवाते भी ना है, सारा दिन पढ़ने की कहे हैं। अरे मैडम जी क्या कह रही हैं, पढ़ता क्यों ना है? पता है कल इसने क्या किया जी? इसने दुबे जी की कुर्सी का पाया तोड़ दिया और गिल्ली डंडा खेलने की कुर्सी का पाया तोड़ दिया। अरे 100 रुपए। वैसे भी जी आजकल लकड़ी जो है ना बिजी बाजी से आ रही है, कल ही की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कल अपने खटोले का पावा दुकड़िए के कुंडे में लटका के झूलने की कोशिश कर रहा था, तैर देनी टूट गया है। और ये बेंच तोड़ना, स्टूल तोड़ना, ये तो छोटी मोटी बात है। जब हम पढ़े करें थे तो मरी और छपकली मास्टर की जेब में घेर दे करें थे, फिर तो नहीं उछलता है, ये सब छोटी। तू बड़ा हो गया आप है। और वैसे जी हम दोनों भाई है बहुत सुनते।
वो तो देखकर ही पता लगता है। वैसे मैडम जी अगर यूं ना पढ़े तो इसकी खूब पिटाई करियो, हम न्यू भी नहीं कहेंगे के करा। वैसे पिटाई की जरूरत ही ना पढ़ने की, खुद पढ़ लेगा, ठीक है जी। और हाँ कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बताइयो, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है अब आप जाइए। वो मैडम जी जो बात मैंने वीरू की निया कही है ना, वही तुम बुल्ली की निया अभी समझियो, इसका भी वारिस मैं ही हूँ और इसका भी खर्चा बराबर का हो यार। वीरू तुम्हें कोई और नहीं मिला था बुलाकर लाने के लिए, वो तुम्हें क्या समझाएगा, वो तुमसे भी ऊपर वालों में से है, कल किसी और को बुलाकर लाना। जी बीरू, अरे क्या बता गया आधी रात में? यार एक बात पूछनी थी। चुप सो जा तड़की, पूछ लिए। सुन यार बात ही कुछ ऐसी है। पूछ। देख यार तू कुछ गलत मत समझिए। अरे पूछेगा भी। वो यार तेरी मैडम का ब्याह हो गया? अरे सो जा तू, मेरे बहना है उसके ब्याह का कारण। अरे क्या हो रहा, क्यों सजो? कुछ ना सपना सा दिख रहा था। बता दे यार। नहीं हो जाएगा भैया, जिस दिन ब्याह होगा तेरे पर चिट्ठी आ जाएगी, सो जा। कुछ भी हो यार तेरी मैडम है गजब की। तो पिताजी को बता दूंगा मैडम सुंदर है। अरे रात के 2 बज रहे हैं, अरे सोन क्यों देता है? 2 तो कल भी बज रहे थे बच्चे। पहला प्रश्न बताओ, सूरदास का जन्म कब हुआ था? अजी गुरुजी उनके जन्मदिन को तो घने दिन हो लिए, और जब कोई जन्मदिन भी ना मनावे हाँ फिर याद कैसे रह गए? पूरा दिन आवारा गर्दी करते हो, पढ़ाई का नाम नहीं लेते हो, तुम बताओ वीरू। रोजी किताब में तक दो समझ में नहीं आ रहा, वो पूछना पहले। हाँ हाँ क्यों नहीं, के समझ में नहीं आ रहा? हो गया कांड। मच्छर दिन में भी काटते हैं क्या? सूरदास सूरदास तारों को भूल जाएगा। अजी गुरुजी ये तुम कौन से गाने पे नाच रहे हो? यू गुंगा डांसर। अजी तुम कहो तो गाना हम गा दे। मजाक उड़ाते हो मेरा। हम तो गाना गा रहे थे गुरुजी, जिससे थारा पांव ठीक तो उठते। चल याद करके आना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्या हुआ दुबे जी? वीरू वीरू, इस लड़के से तो मैं भी हार गई हूँ। बुल्ली इसके पिताजी से कहना कल मुझसे स्कूल में आके मिल ले। पर मैडम वीरू के पिताजी को तो बुलाना, मारा तो कोई खर्चा ना। चुप। होम साइंस की सभी लड़कियां ग्राउंड में चली जाएं। सब अपनी रोटियों का ध्यान रखना, यहाँ सांड भूत प्रे हैं। मैं तो कहूँ जो भी हमारी रोटी खावे ना उसे दस्त लग जावे। अरे रोक दे बुल्ली। वीरू। अरे रोक ले। वीरू। रोक ले। रोक ले। अरे रुक जा जल्दी। देख ले रोक ले। वीरू रुक जा। थामने दे। रुक जा। बाबा अपना जो तू सोचे रुक तो सही, मारी सुन ले। अरे मेरी अरे सुन ले मेरी। पहले नहीं बता सके थे?
जा बेटे पानी ले आइए ट्यूबवेल पे थे। जी मैं केले ना आया था। ये लीजिए पिताश्री। यू मंगाया था मैंने, बावड़ा हो गया। अरे पानी मंगाया था पानी, तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? मैं अभी ले आता हूँ। अरे सुन, वहाँ तो जा रहा, कोठड़े में तो रोटी भी लेता आइए। जो आज्ञा पिताश्री। टिंग 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 टिंग। बेटे तेरी हरकत बता रही है कि कोई दूसरा कांड होने वाला है। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। रूप का नजारा ले चली आए, दिल वो हमारा ले चली। आगी, मैं तो तेरे धोरे आ रहा था। भैया ये क्या कर रहे थे आप? और कहाँ जा रहे हो? मैं तो वो मैडम की निया, वो मैं तो रोटियों के लिए पिताजी लेने जा रहा हूँ। रोटी के लिए पिताजी? पिताजी के लिए रोटी? ए भैया, बाबू तो ठीक है। बाबू? बाबू मारा मतलब है दिल। हा, 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 हा। पर तू कहाँ जा रहा है? मैं तो वो मैडम की। मैडम कहाँ है? मैडम है? मैडम है नहीं, मैडम ने बुलाया है। चल तो। पर भैया तमें नहीं, वो तो पिताजी को बुलाया है। ओए क्या पिताजी के पिताजी को भी बुलाया हो? ना ना बस पिताजी को बुलाया। तू रपट जा, मैं तेरे कान के नीचे एक धर दूंगा। जब कह दी पिताजी पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, मैं भेज दूंगा पिताजी को। तुम कह रहे हो तो बस पहुंच ही जाएंगे पिताजी। दिख तो धुंधला धुंधला रहा है, पर यह सामी मैडम ही दिख है। शुरू हो जाता हूँ। मैडम जी आप कितना अच्छा पढ़ाती हैं। मैडम मैं कहता हूँ सभी टीचर अगर आप जैसे हो जाएं, तो इस देश का कितना भला हो जाए, सभी बच्चे पढ़ जाएं। इन मास्टरों को भी सार्थक कुछ सीखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चे आपकी नहीं मानते वे कितने बड़े मूर्ख हैं। मैं वीरू का होनहार भाई। दादाजी नमस्ते। हैं दादाजी? हाँ दादाजी नमस्ते। दादाजी हाँ, मैं वीरू का दादा भाई, मतलब दादा का भाई हूँ। अच्छा आप कुसुम मैडम से मिलने आए हो? हाँ जी। हैं? अरे मास्टर है। जस्सी आप इन्हें स्टाफ रूम में मैडम के पास ले जाओ। जी आइए दादाजी। वैसे दो बात मुश्किल से याद हुई थी, यू मास्टर पाया, पर आज मुझे मैडम भी नहीं पहचान सकती है ना। जस्सी असली दादा लग रहा हूँ ना मैं? क्यों असली दादा लग रहा हूँ ना मैं? दादा तो असली लग रहा हूँ, पर पता नहीं उसके सामने जातुई के हो है, सब कुछ भूल जाऊं मैं। पर कुछ भी कह जस्सी, तेरी मैडम है बहुत सही। मैं आँख खोलूं तो वाई वाई दिखाई देवे, आँख बंद करूं तो सपने भी उसी के आवे। आज तो मन ने यहाँ आने के मारे पैसे भी ना लिए, बस उसके चक्कर में आया हूँ। तेरी मैडम के मारे बस अब तो हर टाइम। ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा स्कूल छुड़वाना चाहते हैं क्या? मैडम जी हम तो वो बस। तो आप ऐसा क्यों करते हैं?
मैडम जी ये है मेरे पिताजी और ये है तुम्हारे दादाजी, इनसे भी मिल लो। क्यों आया तू यहाँ? अरे मैं तो तेरी शिकायत के मारे आया। अरे मन ने अपना जुगाड़ खुद कर लिया था, पता ना अब क्या होगा। कौन है यू? भट्टे पे तो लाया पकड़ के। और ये लत्ते? लत्ते छतरपाल के हैं। तू किसके पैर रहा? बिरजू के। बिरजू? ओ बिरजू। हाँ तू बता अब क्या आया? अरे आया तो काम था मैं, पर इतनी गर्मी में यू खेस तेरा बड़ा छोरा तो मेरे लत्ते ले गया। अरे यू खेस कहे तो यू कच्चा भी काट के दे दू। अरे शांति कर चौधरी साहब, तो नाश हो गया नाश। अरे क्यों भैया, ये गजब हो गया चौधरी साहब। मेरे पे एक जोड़ी लत्ते थे और थारा छोरा छोटे वाला मेरे लत्ते ले गया मांग के। ओ तेरा भला हो। अरे मेरा छोटा छोरा तो तेरे लत्ते ले गया और बड़ा तेरे ले गया भाई। और थारे दोनों के धोरे एक एक जोड़े ही लगते थे और तुम फिर के दानवीर बनो थे भाई। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। समझ में ना आई तुम्हारी, तुम्हें समझाया था कि कैसे बात करनी है, फिर भी गलती कर दी। जस्सी उसे देख के कुछ भी हो सके। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ना जस्सी ऐसा मत कहवे, मेरा ब्याह तो हो सके। वैसे मेरे आने के बाद मैडम ज्यादा नाराज हो रही थी। नाराज? अरे नाराज के भी फराज हो रही थी वहां। ओए तू चुप रह, अब कुछ तो बताओ उसे कैसे मनाया जा सके। मैं बता तो सकती हूँ, पर उसे देखकर तुम फिर भूल गए तो थारा के बिगड़ेगा, नुकसान तो मेरा ही है ना। मारा तो है ही ना, जब स्कूल में काटे जाएगा जूते मार के। जस्सी तू रहने दे, घड़ी सलाहकार तो बने मतना, और वादा कहीं खड़ा खड़ा। यार भाई वीरू तू मेरा दोस्त है दुश्मन है? जस्सी तू बता। बोरी में मुंह गाड़ू खड़े? अरे आज मैं यू देख रहा, अब एक बोरी कम होगी। हाँ ये तो ज्यादा थी, कम क्यों कम? ये भी कम है। हे भगवान तुम भी ना बस। अरे भैया लड़की को एक फूल दिया जाता है, ये फूलों का गुलदस्ता, फूलों का टोकरा नहीं। ओहो ये ज्यादा हो गए। चलो कोई बात नहीं, साल भर के हिसाब से लगा लेगी। मैं रोज रोज गेहूँ कहाँ बेचू। चलो ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हाँ। ये सब क्या है? फूल हैं जी, फूल। वो जस्सी वो सबने बताया जी, आप मेरे तरह नाराज हो रही हैं। मैं इस मारे फूल ले आया, आप खुश हो जाएंगी। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं आपसे और भी ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। कते नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। तो ठीक है आप ऐसी हरकतें ना करें। वो मुझे आपसे कुछ कहना भी है। मैं तेरा दीवाना हो गया। मुझे देखते ही दिल सो गया, मुझे जाने के हो गया। तुझे देखते ही दिल खो गया, मुझे जाने के हो गया। मैं तेरा दीवाना हो गया।
मुझ पे नजर, भूख प्यास की नहीं खबर। जब से पड़ी है तुझ पे नजर, भूख प्यास की नहीं खबर। मन में चल रही खुसर फुसर, दिल में हो वे दुकड़ दुकड़। चली नैन कटार हुए टुकड़े हजार, चली नैन कटार हुए टुकड़े हजार। दिल तेरा निशाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना हो गया, मैं तेरा दीवाना हो गया, घटा घन गोर है काली और नैसी नखरे वाली। सुन मेरे यार हुआ मुझे प्यार, सुन मेरे यार हुआ मुझे प्यार। मैं खुद से बेगाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना हो गया, मैं तेरा दीवाना हो गया, बदल गई मेरी शाम में। मन ना लगता किसी काम में, सुबह बदल गई मेरी शाम में। फिरू भटकता तेरे काम में, लागे लो बस तेरे नाम में। तेरा दीदार मन कर लाचार, हाय तेरा दीदार मन कर लाचार। ये रास्ता ठिकाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना हो गया, मैं तेरा दीवाना हो गया, तेरा दीवाना हो गया, मैं तेरा दीवाना हो गया। तेरा दीवाना हो गया मैं, तेरा दीवाना हो गया, और तेरा दीवाना हो गया मैं, तेरा दीवाना हो गया, तेरा दीवाना हो गया, मैं 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 तेरा दीवाना हो शोर मचा रखा है। सब बैठ जाओ। जस्सी तुम वहां से उठ के आगे आ जाओ। जी मैडम। मैंने कहा आगे आओ। हट गई। क्या सलवार किसकी? जस्सी की। चुप बदतमीज। मैंने पूछा किसकी हरकत है ये। खड़े हो जाओ दोनों। मरवा दिए। कुसुम जी ये कल की लिस्ट है बच्चों के टेस्ट की, सब पास है। बुल्ली और बीरू दोनों फेल हैं। क्या करूं मैं तुम दोनों का? अजी पास कर दो और के करोगी? चुप रहो। तुम्हें तो ये भी नहीं कह सकती कि अपने घर से किसी को बुला कर ले आना। आज मैं खुद तुम्हारे घर जाऊंगी। अरे शुक्र है भाई तू मिल गया।
जरूर कोई मुसीबत आ रही होगी, और ना तुम याद करो मुझे। मुसीबत ना मैडम, आज तो घर आ रही है मैडम। लेके आ रही, मेरी शिकायत लेके आ रही है। शिकायत लेके आ रही है तो मैं क्या करूं भाई, जो कुछ कर सके तू ही कर सके। अगर तन्ने कुछ न करे ना तो घर वाले तुम्हारा ढोल चपेट देंगे। ठीक है तुम दोनों हो तो मतलब ही, पर मुझे दया आई जावे। पूरा सुनो, पता गेर पत्ता। अरे गेरू घना तका जा रहा तेरे, तू अपने पत्ते लगो रे, यू बेईमान है सोर रहेगा। मैं बेईमान हूँ बेईमान? हाँ हाँ, चौधरी साहब बता दियो। कोई नहीं खेलो। अच्छा हाँ चले फिले। ताऊजी खेत में गा बढ़ गई गा। अरे बढ़न दे तू, और सारी फसल खा गई। खान दे तू ना सूर्य, यहाँ बाजी का कति गेर है ना। अबे ताऊजी खेत में गा बढ़ गई गा। ओ तेरा भला हो, अरे जाए नहीं था के वहाँ। हाँ ना कोई भी ना है। ओ तेरा भला हो ले, पर गजब की बात जी थी, नाश कर दिया कति। सुक्की देता है सुख। हाँ तू सुक्की करता है, चार घंटे तो पीस रहा। अच्छा और अरे दे तो तू डेट थोड़ी देर, मैं अब आएगा काट के, जब तेरे गुच्छे ना घिसवा दिए ना तो देखिए। मैं यही बैठा हूँ, अभी आया मैं। हाँ माँ। अरे माँ। अरे क्यों हो गया, क्यों रुका दे रहा तू? हर वक्त घरू बड़ी रह कर कभी खेत में भी देख लेकर के हो रहा। वहाँ मेरी क्या जरूरत है, तू और तेरा बापू है ना खेत में देखने वाले। मारे देखने के काम ना आए, और ना मारे पे देखी जाती ऐसी बात। क्या बात है? वह चोल्लू की बहू बरसम काटर लग रही है हमारे खेत में, पिताजी खड़े खड़े दांत पाड़ रहे हैं वहाँ। 100 ग्रांड की निगाह तेरे बाप पे भी पड़ गई। हाँ मैं देखूंगी उसे, 100 ग्रांड को भी और तेरे बाप को भी। बिल्कुल माँ तो गई, अब लगता हूँ अपने काम में। यहाँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। दे जाके दिखाई, भीतर को जाके ढूंढ ले, इस उम्र में भी नहीं फिरेगा। नहीं फिरेगा? अरे की बकवास कर रही तू, अपने खेतों में भी ना आवे। अच्छा मारते तो नुके के आगे ताश खेलन जाऊं मैं। अरे ताश ही खेल रहा था, वो तो चित्र का बुल्ली आ गया और नु कहने लगा कि थारे खेतों में गाय बढ़ गई। गाय? और मेरे तो जैनो कह रहा था पिताजी चोलू की बहू को बरसी कटवा रहे। चोलू की बहू? हाँ हाँ, अब आ गई मेरी समझ में। ना तो यहाँ कोई चोलू की बहू और ना कोई गाय, जो कुछ गड़बड़ है वो घर में ही। घर में कोई है? कोई है घर में? कौन है लाला? नमस्कार जी। चिमतारो कौन है लाला? जी मैं वो सगाई वाले। जी मैं वीरू की मैडम हूँ, उसे पढ़ाती हूँ। अच्छा तो से वो मैडम वीरू को दादो किसो किसो लाड करे थो। तने बताऊं कदे वीरू की ताए कुछ लावे थो, कदे कुछ लावे थो, कदे केड़ो लावे थो, कदे संतरे लावे थो। 250 रुपए की साइकिल आता छोटा सा की। तने मारो वीरू, स्कूल से काट दिया। दीजिए कितना लाड करे तो, कदे एक कंधा पे बैठाए हांडे तो सारा गांव में घोड़ो बने रहे थे। तने मारो वीरू स्कूल से काट दिया। दीजिए कुछ भी हो जा, इतना लाड करे तो अगर कहीं भी दोनों छोरा इंगे उंगे हो जा तो ढूंढ तो हांडे तो और देखते नहीं। दादी जी और जो को दादो तने देख ले तो जय को भया तेर तय करके छोड़ दो। दादी जी वो बिल्कुल ना छोड़ दो, तेर तय करके छोड़ दो। देखिए बाढ़ को ना आज हदी कर दी, तेरे मेरे बीच में ही बजवा दी होती। हाँ देखियो तो सही, देखियो कैसी फूल सी छोरी, ऐसी बहू हमारे घर में आ जा जिंदगी सुधर जा। तू घने सपने ना देखा कर, तेरे छोरे भी हैं इस लायक। अरे भाई चौधरी तू अपने वीरू ने समझा, मेरे आम तो तोड़े तोड़े हैं, सगले पेड़ और बर्बाद कर दिए।
भाई साहब समझा देंगे, आइंदा आपका कोई नुकसान नहीं होगा, देख लिया? सुनिए, ठीक है सुनिए, आप वीरू के मम्मी पापा हैं? हाँ बेटे, मुझे उसके बारे में आपसे कुछ कहना है। तेरे बारे में? अरे तेरे बारे में जब पूछती जब मैं अपने से फुर्सत लेने देता। भाई तन्ने तो आज वाकई में कमाल कर दिया। अरे कमाल मन्ने नहीं, कमाल कर दिया दादी ने। माँ मैं करवाऊंगी थर पर ना टंकी, इस फूल सी छोरी का दिमाग खराब करके दे दिया तुम। मैं बताऊंगी तुझे, तेरा मेरा खून। अरे कमीन, अरे क्या करके छोड़ देगा, क्या करके छोड़ देगा, अरे मन नहीं के छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ देख देख छोड़ नहीं के मारिए। जस्सी ये नई सिलवार कैसे फट गई? स्कूल में कुर्सी की कील में फंस के फट गई। अब जैसे ध्यान रखा कर, चल कोई बात नहीं, नई बनवा देंगे। हाँ हाँ बनवा देंगे नवा सूट। अरे सो फेरी कह लिया ना, घर के काम काज सिखाओ, आगे पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं है, घर के काम काज ही काम आवेंगे। पर वो है ना विनोद, अगना भी पढ़न दे, चल जाएगा सारा पता जब अगले घर जाएगी। अरे के कह रहा, हम तो अपनी बाण का ब्याह ऐसे घर में करेंगे जहाँ लाड ज्यादा और काम कम होता हो। इकलौती तो बाण है हमारे, कौन सा पांच चार है भाई, और पिताजी भी तो इसकी जिम्मेदारी हमारे पे छोड़ गए, कौन पूरी करेगा? हाँ हम तो सारे काम बापू के बताए हुए ही करेंगे, वही आवेगा बतान। लाला तू चुप रहा कर और उसे स्कूल जान दिया कर। मैंने तो दो प्रोग्राम में भाग लिया है, मैं तो दोनों करूंगी अच्छे से और डांस भी करूंगी। हाँ ठीक है, मैंने भी तो लिया है। जे भैया सुबह ही सुबह के बात है। हाँ जस्सी मैं तो तेरी बात देख रहा था, मुझे कुछ बूझना है। नहीं भैया आज नहीं, स्कूल में फंक्शन के मारे तैयारी चल रही है, बस आज एक डांस मास्टर आएगा सब बच्चों को डांस सिखाने के लिए। डांस मास्टर? भैया मुझे किसान इंटर कॉलेज जाना है। तो जा फिर, तुझे कोई काम होगा? हाँ काम है, वहाँ बच्चों को डांस सिखाना है। तो डांस सिखाना तो मुझे क्यों डांस सिखाना है? डांस मास्टर गुरुजी आप तो महान हैं, धन्य हैं आप। कहाँ थे आप? क्या मतलब? मैं तो खड़ा ही आपकी नहीं आऊँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? आओ आपको रास्ता बताता हूँ, आइए आइए। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मैडम अब हम क्या करें, जो काफी देर से कर रहे हैं इंतजार, पता नहीं बड़े सर ने कैसा डांस मास्टर बुलाया है। गुड आफ्टरनून सर। नून नून एंडी डेंकल डैन पाइनएप्पल नून। आप डांस मास्टर जी हैं? या आई एम डांस मास्टर हूँ। सर आपका नाम क्या है? नेम नेम जय जय जैक्सन जैक्सन जैक्सन। सर मेरा नाम? हम जानते हैं जानते हैं। जानते हैं आप मेरा नाम? जानते हैं हम सब कुछ जानते हैं, आपकी शादी किससे होगी, आपका पति कौन होगा, आपको कौन प्यार करेगा, हम सब जानते हैं। शुरू करें? हाँ हाँ करिए करिए। मेरा मतलब है आप बच्चों को कुछ बताइए। हाँ बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, हम आपको भी बताएंगे। मुझे कुछ नहीं पूछना, आप इन्हें डांस तैयार करवा दीजिए। हाँ हाँ डांस ही तो तैयार कराएंगे हम, इनको डांस तैयार कराएंगे हम, आपको भी डांस तैयार कराएंगे। मुझे कुछ नहीं करना, आप इन्हें डांस सिखा दीजिए। हाँ हाँ डांस ही तो सिखाना है। हम ऐसी तैयारी कराएंगे इनको कि ये नाचते रहेंगे नाचते रहेंगे नाचते रहेंगे। अजी कदी तुमने किसी को डांस भी सिखाया?
तुम्हें क्या लगता है ये कोट, ये टाई, ये टोपा, ये पैंट हम किसी की छीन कर लाए हैं, उसे ईंख में बांध कर डाल कर आए हैं है? ये छत्रपाल के कुर्ता पजामा दिखाई देते हैं तुमको, या बिरजू के धोती कुर्ता जो मांगे जा सकते हैं है? उसका ये मतलब नहीं है, आप कुछ बताइए। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे, हम आपको बताएंगे, पूछिए। आप इन्हें डांस तैयार करा दो। हम पहले हम आपकी तैयारी कराएंगे। मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ इनकी टीचर हूँ। हाँ हाँ तो क्या हुआ, टीचर का दिल नहीं होता, उसके अरमान नहीं होते, वो डांस नहीं कर सकता क्या? बड़ी अजीब बात है भाई। आप मेहरबानी करके इन्हें डांस सिखा दीजिए। हम डांस सिखाने तो आए हैं, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ कोई गाय चराने आए हैं, भैंस चराने आए हैं, मैं कोई यहाँ जाल बिछाने आया हूँ, मैं तुम्हें पटाने आया हूँ? आप कुछ करने नहीं आए, आप हमारा सिर खाने आए हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है।
मुझको समझ है जाने बाबा, प्यार पे मेरे ना हो खफा। के बात है वो दूध चाय लाऊं कुछ? के बात, कुछ खर्चा पानी चाहिए। मुझे एक बात करनी थी। फिर सूद दम सूद करता क्यों नहीं तू? मैं तो पढ़ ही नहीं सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब वीरू भी पढ़ाई में कमजोर है। फिर क्या करें भाई? करना की है, ट्यूशन लगवा दो उसका। ट्यूशन? दो हरफ ज्यादा पढ़ेगा, मेहनत अच्छी करेगा तो बोर्ड में बढ़िया नंबर आओगे। और ना तो तुम्हें कोई कुछ ना कहने का, सब न्यू कहेंगे बड़े भाई ने ध्यान ना दिया होगा। पर इसे ट्यूशन पढ़ाओगा कौन? वह तो तुम मेरे पे छोड़ दो। लो दूध पी लो। आज क्या घुट रही थी बाप बेटे में, मुझे भी बता दो। आज तो कुछ और डाल ही बोल रहा था, घनाई जिम्मेदार सा हो रहा था। नू कह था कि वीरू को ट्यूशन करवा दो। हाँ ठीक ही तो कह रहा ना, गलत तो कुछ ना है, पर आज जालिम का पैंतरा मेरी समझ में भी नहीं आया, कुछ ना कुछ हो लिया जरूर। नमस्ते जी। मैं कह रहा हूँ नमस्ते। देखिए मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अजी नमस्ते में भी के टोटा है? बिना बात कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अजी बिना बात कैसे है, मुझे काम है धारते। क्या काम है आपको? तो बात ये है, अक तुम तो जानो ही हो वीरू पढ़ाई में कमजोर है, और हाथ पढ़ाई में मेरा भी तंग सही है, तो तुम वीरू को ट्यूशन पढ़ा दो। तुम लोगों को ट्यूशन की क्या जरूरत है, अच्छे नौटंकी बाज हो तुम लोग। एक बार तुम हाँ कर दो, मैं सब नौटंकी छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई फेल हो जाएगा। तुम्हारा भाई पास हो या फेल, पर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसी मारे में कमी की है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। पाचे तो तेरी कुछ ज्यादा ही याद आने लगे जाने मन। ए बुढ़िया तू नई पड़ी बड़ी मर जाएगी,
फिर मेरा क्या होगा? लगे अब तेरे द्वारा इतना टाइम नहीं बच रहा। और दिखे ज्यादा सबर अब मैं भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लाचार मजबूर हूँ। द्रुजेंद्र तने हमारे ऊपर बहुत एहसान करे हैं, एक एहसान और कर दे, थोड़ा सा जहर ला के दे दे हमें। जहर का घूट तो हमें पीना पड़ रहा। तेरे बाप ने नाश कर दिया हमारा नाश। सारी जमीन जायदाद तो पहले जुएर शराब में उड़ा दी, और यह बीमारी और हमारे गले में घाल गया। या तो तेरी छोरी अगर इतनी सोनी ना होती तो मैं थारा मुकदमा नहीं लड़ूता। चाकी पीसरी होती कहीं किसी जेल में पड़ी हुई तम दोनों चाकी। ये घर कौन सा जेल से कम है हमारे लिए? हम अपनी मर्जी से एक सांस तक नहीं ले सकते। अगर माँ का सवाल ना होता ना तो मैं कब का फांसी लगा लेती। तुझे फांसी खाने की क्या जरूरत है मेरी जान? तुझे पान खतरी तो मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी। ए बुढ़िया, समझा इसे अपनी छोरी को ज्यादा बकर बकर ना करे। अब मेरे से और इंतजार नहीं होता। कन्यादान कर और जल्दी से निकल। भगवान ही जाने हमें और के देखना पड़ेगा। थारी समझ में जब ही आवेगा, जब थारे सारे राज में दुनिया के सामने खोल दूंगा, फिर चाकी पीसों की कहीं जेल में पड़ी पड़ी दोनों। जल्दी फैसला कर, नहीं तो यो फैसला भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैडम जी करा कुछ फैसला? तुम कुछ कह के तो देखो, पर मैं वही कर दूंगा। पर तुम इस नहर में कूद जाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम इसी में पड़े रहो, पर मैं हाँ नहीं करूं। तो मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक तू हाँ नहीं भरेगी और पढ़ान नहीं आओगी, मैं भी इससे बाहर नहीं निकलने वाला। माफ कर दे भूरी बिल्ली। पागल गधे उल्लू मूर्ख ऐसे नहीं कहते। हैं पिताजी, हैं? ये घुस गया गिट्टी में। राम ही गिरेंगे। फोड़ गया बुड्ढा। आप लोग इसे उतारिए, मैं अभी पढ़ाती हूँ। वो चला गया होगा। ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा। इन आने जाने वालों ने भी दुखी कर रखा हूं। क्या करूं, कुछ सोचना पड़ेगा। ओए ओए छत्रपाल। हाँ। क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा? मैं नहा रहा हूं। यह धोने की जगह है या कोई नहाने की जगह है? और कहां जाऊं, सारी दुनिया यही धोए। चला जा साले, तुझे धो दूंगा मैं अभी। कहां जाऊं? कहीं जाके धो, दुनिया पड़ी है। मारवा ना, घर धोगा साले जाके। अच्छे से बड़ा सुस्ती। हाँ मैडम जी, कुछ पूछना है? तुम अभी बैठो, मैं बाद में समझा दूंगी। जी मैम। Thank you.
अरे कितनी देर और रहेगी स्कूल की छुट्टी होने में? ओ मोटे, क्या टाइम हो गया? वही हो रहा है कल हो रहा था। क्या बज रहे हैं? दांत बज रहे। चला जा साले, ना तू बजाना पड़ जाएगा। हे भगवान, क्या बजे हैं? क्या बजे होगी छुट्टी स्कूल की? तुम पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। कमाल है, जब मुझे नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, मैं जा रही हूँ। देख लेना, कहीं दुनिया ये ना कहे कि एक लड़का तेरे कारण नहर में डूब के मर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे डरा रहे हो क्या? पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं भी अब इसमें से निकलने वाला नहीं हूँ, मैं अब डूब के रहूंगा। ये जो कहता है वही करता है, कहीं सच में ही डूब के ना मर जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे अच्छा तो मैं ट्यूशन ही पढ़ा देती। तो अब पढ़ा दो। हाँ, क्या तुम जिंदा हो? हाँ, थोड़ा सा बच रहा हूँ। अगर हाँ कर दोगी तो पूरा ही बच जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर प्लीज तुम बाहर आ जाओ। तुम आओगी? तुम पढ़ाना आओगी? हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगी। तुम सचमुच आओगी? मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी बाहर आ जाता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक नंबर के नौटंकी बाज हो तुम। अरे देख ले। अरे हाल वाल कुछ ना, तुम मुझे काट के बाहर को घेर दो, मैं सारा अकड़ गया। ओ बुल्ली, रहने दे, ये तो हर चीज पैसे दिए, पैसे हम भी लेंगे, रुपए लगेंगे, 10 रुपए काट देंगे और 100 रुपए घर ले जान के। काटू अभी चेक, जा चला जा, देख लिया तू कैसा भाई है। अरे कदी कदी ऐसे भी काम चला लेना चाहिए, आखिर स्टाफ भी तो चलना चाहिए। जब तेरे जोड़ खुल जाए ना, घर आ दिए, और ना खुले तो पिताजी को भेज दूंगा। खुल जाएंगे तेरे जोड़ से। जा साले चला जा, तेरी नहीं कर रहा हूँ इतनी मेहनत। और हमें पता किसके लिए कर रहा तू, बुरी बिल्ली की नहीं कर रहा तू। मन ने तू सोबर समझा लिया, यह बात मत कह कर उसकी निया। और एक बात और सुन, तेरी भाभी वाई बनेगी। जस्सी के बात भैया, मैं वो। हाँ हाँ बोल भैया, मैं भी वीरू को बहुत चाहूँ। क्या हुआ जी भैया, क्या मैं आपके घर के काबिल नहीं हूँ? तू तो काबिल तभी काबिल है। मैं तो ये सोच रहा था कि कितना खुशनसीब है मेरा वो बुद्धू, जिसे तेरे जैसी लड़की। तो भैया मैं पास हुई? हाँ जस्सी, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मेरा चाहे कुछ भी हो जा, पर तेरी शादी वीरू से ही होगी। ये क्या है भैया? ये शगुन है। चलो मुझे, क्या कर रहा था? जिसे छूने की ललक है, पाने की तरस है। छूने की ललक है, पाने की तरस है। वो चांद मेरा होगा, हाँ जी हाँ मेरा होगा, पूरा का पूरा होगा, ये दिल में सबर है। मान जा, मैं डरूं तेरे पिताजी से, मैं ससुराल में आया हूँ, यही रहो तुम्हारे ठीक है। ख्वाबों में तू है दिखता, ख्यालों में तू बसता, सच्ची में आके दिख जा, ये आंखें बेसब्र है। झांसी की रानी,
और इस झांसी की रानी को अपना ना बना दिया ना तो मेरा नाम बदल दियो। मतलब डांगरों के भी कोई नाम होते होंगे। अरे ऐसे कैसे बिगाड़ देंगे छोरी को, ब्याह के भेज रखी। यो भी कदे हो सके है, अगर ब्याह हो जाए मिलन हो ना, और वो हमारे पीपियां ढक्कन ना ना होगी, हमारे पिंचर देखेगी, अब चीचड़ी तोड़ेगी मारी। जो बार थी मेरे जी में रे पंचो उंगली की मैं, जो बार थी मेरे जी में रे पंचो उंगली की मैं, आज तो हो जन दे कल तू सो जन दे, आज तू हो जन दे कल तू सो जन दे। सोचना तो पड़ेगा, मेरे अरमानों का खून करके देखो वो कैसा अपनी चोच बिड़ावे। मैं जानू के तेजी में है कौन सी उंगली की में, मैं जानू के तेजी में है कौन सी उंगली की में, लाज मन कर लेने दे, आज मन कर लेने दे, लाज मन कर लेने दे, आज मन कर लेने दे। इसकी आंख फूट जाती तो तू कर लेती काने के भाई से शादी। पूछने वाली बात क्यों ना है, मेरा ब्याह करो मेरे से पूछोगे बिना। हो गया कैसे छोसी में आ रहा के भाभी ते लड़का आ रहा। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह समझ गया, जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह समझ गया। ठीक है पंडित जी, हम सवा महीने लो यू प्रण खूब निभाओगे। तो आज बतानी पड़ेगी औकत बुझेगी। हम चाहते हैं अपने भाई को मारने तुल रहा तू के तू सुमरी ऐसे ही उसने। मैं एक व्यक्ति को मार कर दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहता। तो मेरा इतना सारा टाइम क्यों बर्बाद करा तन्ने? हाँ मैं यहाँ के लेने आई। चांदनी रात में कोई किसी से मिलने क्यों आवे? क्यों आवे है? तू भी ना बिल्कुल बुद्धू है, मैं तुझे चाहूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, अपनी उम्र देखी तन्ने? हाँ तेरे बराबर है। हे भगवान, पर मैं तो ना चाहता तुझे। आज तो तुझे हाँ भरनी ही पड़ेगी। ना भरता बता के करेगी। इतना पछतावेगी करके देख तू बदनाम, इतना पछतावेगी गली गली में जर जा तेरा मौज बावेगी। मैं शोर मचा दूंगी बद...
बदनाम कितना पछतावेगी। खाली हो जागा के हो जागी डूबा डेरी ना उम्र लिकड़री मेरी जो मन तो समझावेगी। अरे गली गली में जर जा तेरा मोह चिबावेगी। मैं शोर मचा दूंगी बदनाम कर दूंगी। करके देख तू बदनाम कितना पछतावेगी। हाँ मैं शोर मचा दूंगी। करे करे देखिए क्यों हो रहा घर का। अरे बेटा भैंसों के काम में लग रही थी बिलो। यू भी काम है, कोई ढंग का आदमी आ लगे तो। कौन आ रहा हमारे ढंग का आदमी? अच्छा ढंग का आदमी। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। आ जा बैठ। आंटी वीरू कहाँ है? बेटी मैं बुला के लाऊं जी। Thank you.
पहले ही चाय बना कर धर ली। नमस्ते मैडम। नमस्ते। लो मैडम जी तुम चाय पियो। अब इसकी क्या जरूरत थी? अजी जरूरत कैसे ना है, भला आए गए कि वो भी ना करें। ओके ओके थैंक्स। तेरी की इसमें तो मीठा घना गिर गया, अब के लाऊं मैडम की निया। हाँ ले बेटी दूध भी। अब मैंने तो अभी चाय 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 किन्ने बना दी? अब वो ले चाय को मार गोली तो दूध भी। लो मैडम जी तुम कैंपा पियो, चाय में ना मीठा कुछ ज्यादा हो गया था। पी लो। ले बेटी ले जूस पी। तू पहली दफा आई ना, मैंने सोचा तेरे लिए जूस ही ले चलूं। अगर आप कहें तो मैं वीरू को पढ़ा लूं। हाँ? अरे 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 ले अरे ले। कभी कोई चाय लेकर के आ रहा तो माँ दूध लेकर के आ रही और बेटा बेटा कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ रहा और पिताजी जूस लेकर के आ रहे। हे भगवान कैसे लोग हैं, पता है मैं पढ़ा ही नहीं पा रही थी। पर सच कहूँ जैसे भी हैं सब हैं बहुत अच्छे माँ, सब बहुत अच्छे हैं। हे भगवान मैंने इसके चेहरे पे हंसी बहुत दिनों के बाद देखी है, इसकी हंसी कभी ना छीने। जी कल हमारे घर का कितना हंसी खुशी माहौल था। हाँ। मैडम जैसी बहू बनकर आ जा मेरे घर में तो मैं तो तेरे का ब्याह हो जाइयो, कुछ ले करवाना पड़ेगा। ऐसे क्यों कहो? तू चुप रह। अरे वो पढ़ाना आई है उसे पढ़ा लेंगे तू दो चार दिन। वीरू ओ वीरू। हाँ चाचा। जल्दी से एक मिनट को हमारे घर को चलिए। चाचा मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। अरे थोड़ी देर में तो कुछ ना हो गया। चलो चले जाओ पर जल्दी आ जाना। जी चल। के बात होगी। अरे जल्दी चल तू। रुना जी पढ़ना रहे है वो उसे कोई बुला कर ले गया है। बुला के ले गया? बताओ इस टाइम तुम पढ़ाना आई हो उसे यहाँ पढ़ना चाहिए, उसे कोई बुला के ले गया या भी कोई बात है? उसे चाहे पिताजी बुलावे जब भी नहीं जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं आप इतने परेशान ना हो। अजी परेशान होने की तो बात ही है, बता परेशान ना हो और तुम्हें चाय पानी भी ना बूझ गया दिखे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो कल ही बहुत सारी चीजें पी ली थी। आज कुछ ज्यादा गर्मी मतलब सर्दी ठंड सी नहीं हो रही? अब तो इतनी गर्मी हो रही है और आपको ठंड लग रही है? हाँ हाँ जी गर्मी हो रही है। मैं शरबत बना दूँ? नहीं नहीं। तो नींबू पानी बना देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। जी वो मुझे थार तक कुछ कहना है। हाँ बोलिए। मैं वो कैसे कहूं, मैं वो तुम तो जानो ही हो, तुम कुछ बोलो तो सही, मेरी जिंदगी का सवाल है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब तो मैंने सब नौटंकी भी छोड़ दी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा रहूंगा, मैं खूब कमाऊंगा पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूं। तुम समझते क्यों नहीं? मैं ज्यादा समझदार तो नहीं पर इतना जरूर समझता हूँ कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। आप बहुत अकलमंद हैं, मैं बुद्धू हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जय तुम बहुत अच्छे हो, भोले हो, प्यारे हो, जिस लड़की को तुम मिलोगे वो बहुत खुशनसीब होगी, पर मैं बदनसीब हूँ। जय तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, पर जब जान जाओगे तो मुझसे बहुत नफरत करने लगोगे। नफरत? वो क्यों?
क्या बात हुई बेटी? कमबख्त, तू इतनी घटिया हरकत करेगा? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमें भैया के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जल्दी करो गुरु, वरना यूं ही सोचते रह जाओगे और चिड़िया कहीं और पहुंच जाएगी। वीरू, ओ वीरू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठो जी। क्या बात है, आज बड़ी शांति है घर में? वो माँ और पिताजी बाहर गए हैं। चलो मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताती हूँ। वैसे आज कुछ ज्यादा ही शांति है ना घर में? जी। लिखो, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों पेश करना डायरेक्ट स्पीच में आता है, जबकि उसी बात के शब्दों में फेर बदल कर वही मतलब रखते हुए उस बात को कहना इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा घर? लिखो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त टेंस में परिवर्तन आता है। क्या बात है, आज जय भी नहीं दिखाई दे रहे? जी वो ऊपर है। अच्छा, अब वैसे आज वो ऊपर क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे? जी वो कल तुम रोका चली गई थी ना, तो पिताजी ने गलत फहमी में उस पलट बजा दिया। लाऊं बुला के? तुम पढ़ो, मैं खुद जाती हूँ। जी। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? दर्द? अजी कुछ भी ना है, यूं तो मेरे पिताजी का प्यार है जो कदी कदी बरसता रहे। आप कैसे हैं? पर जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। तभी तो आपके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पता है, मैं पढ़ा भी नहीं पा रही थी। अच्छा जी। हाँ, चलो उठो, रोज तो तुम मुझे चाय बनाकर पिलाते थे, आज मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊंगी। अच्छा जी, तुम पियोगी चाय? ये क्या? बेसन है, तुम चाय बनाइयो, हम पकौड़ी बनाओगे। लाओ बेसन मुझे दो। इनकी तो महकने का जब उठा दिया। मैडम जी, तुम तो बहुत बढ़िया पकौड़ी बनाओ। अच्छा, तुम्हें ये बिना खाए अच्छी लग रही है। नमस्ते जी। जी वो ये लोग बना रहे थे तो मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। यू तो बेटी तुमने बहुत बढ़िया करा, आप लोग भी खाइए।
तू भी ले ले। बेटे वो सब तो ठीक है, पर मेरी यू बात समझ में ना आई। अक कल तो तू। जी हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कल जो कुछ भी हुआ था वो सब गलत फहमी के कारण हुआ। जय ने कल मुझसे कोई गलत बात नहीं की है? और ना ही कोई बदतमीजी की। अच्छा, देखिया कभी कदाक अपने बालकों पे भी भरोसा करा करो भाई। वाकई ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। जी और लीजिए ना। बस बेटा बहुत है यहाँ तो, और तू खा ले। हाँ मैं भी ले रही हूँ। अच्छा बेटी, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी बस माँ है। अब मैं चलती हूँ। ना बेटे, देखे बारिश का मौसम हो रहा, पता ना कब बारिश आ जा। और देखे रास्ता भी खराब है, अब तो सुबह ही जाइए। नहीं नहीं, मुझे जाना तो अभी पड़ेगा, क्योंकि घर पे माँ की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। बेटे इस टाइम जाने का धर्म धुरा ना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। चल फिर, तू जिद कर रही है और ना मानती तो चली जा बेटे, पर ऐसा कर। अरे जय। अरे इतना अकड़ में क्यों हो रहा है? जब मैंने गलती मान ली कि तेरे दो चट्टू गलती तक लग गए, तो ये अकड़ ने छोड़ दे, और ना तो और ना मारूंगा। जा, छोड़ का छोरी ने। जय, कई बार जैसी चीजें दिखती हैं वैसे होती नहीं है। कल तक तुम सब लोग मेरे लिए कितने अनजान थे, पर आज सबके साथ हंसना बोलना सब कितना अच्छा लगता है। माँ और पिताजी बहुत खुश थे, घर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे भी तुम्हारा इंतजार था। जय, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। क्यों नहीं हो सकता? सभी बातें बताने की नहीं होती जय, बस ये समझ लो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। शायद शायद उससे पहले मेरी मौत लिखी है। नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हारी मौत तो मैं किसी तरह भी नहीं देख सकता। हाँ, तुम्हारी शादी अगर मेरे साथ ना हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, भले ही इसके लिए चाहे मुझे जिंदा लाश की तरह जिंदगी जीनी पड़े। ट्यूशन पढ़ाना भी अब थारी मर्जी है, तुम चाहो तो वो भी छोड़ सकती हो। नींद गई चैन गया, दिल हुआ तेरा रे, बैरी ने लूट लिया, कुछ ना बचा मेरा रे।
आया ये सवेरा रे, नजर घुमा के देखना आया सवेरा रे। नींद गई छिन गया दिल हुआ तेरा रे, बेड़ी ने लूट लिया कुछ न बचा मेरा रे, बेड़ी ने लूट लिया कुछ न बचा मेरा रे। बैठा रख क्या है? तू देखेगी तो तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। भैंस ना है यहाँ। भैंस ना? कहाँ गई भैंस? कौन चोर लग गया हमारे पीछे? अरे ओ सुन यहाँ, भैंस ना है यहाँ। कहाँ गई? भैंस ना है यहाँ? मुझे क्या पता मेरा क्या मतलब? तेरा क्या मतलब? हाँ और किसे पता है? थारी भैंस बिक जा तो तब मुझे कहो, थारी बोरी कम हो जा तो मुझे कहो। माम मुझे बहुत भूख लग रही है, रोटी दे दे, आ जा। अजीब बात है। माँ तुझे मैडम पसंद है? हाँ। तो ऐसी बहू फ्री में ना मिलती है? तो खर्चा हो है। बता क्या खर्चा हो है? की खर्चा हो? खर्चा तो जो होना था हो लिया। मैंने भैंस बेच के मैडम को 3 लहंगे दे दिए गिफ्ट। 3 लहंगे? अरे नाच गए तो मैं तो नाच कर दिया। आप तुझे ना पहचानते, मेरे पता मांग लेता तो ना बैठ क्यों बैठी? अब एक आध और मारती हो तो मार ले। क्यों? फिर तड़के थारी 12 पे मोटर ना मिलेगी, तुम फिर बुझोगे। और हाँ पिताजी को संभाल लिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई ये रहा भैंस का। भैंस का? वो माँ को पता था तुम उससे बूझ लियो। ये कह रहा था यू? वो कुछ मोटर 12 कुछ नहीं कह रहा था। मोटर 12? तुम कहाँ चल दिए?
अरे जाऊं देखू कोई स्टार्टर पटाटर बच रहा हो तो ढा लाऊं। हैं? और हाँ वैसे भी सारा माल जा कहाँ रहा? मैं तो बहुत देर तक बात देख रहा था, आ जाए ना कहीं बैठे हैं थोड़ी देर। नहीं जय, मुझे स्कूल को देर हो जाएगी। देखना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बात करेंगे। तेरा मन ना करता? बहुत करता है, मन करता है ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ ही बीते, पर कुछ फर्ज भी तो है। अब अच्छा जय, अब मुझे स्कूल को देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वो सुनो, पाजी कहाँ से लाते हो ये सब? तुम्हारा जुगाड़ है इतना? तू क्या सोच रही है मैं भैंस बेच के मोटर बेच के लाया हूँ? पर मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज आप ये सब ना लाया करें। क्यों, पसंद ना आई? पसंद आई, बल्कि बहुत पसंद आई। अब मैं चलूं? मन तो ना कर रहा पर तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। वीरू इधर आओ। जी भाभी जी। ये क्लासरूम है, ध्यान रखो। सॉरी मैडम। जाओ। Let me.
चले अल्लड़ छोरी, चले मोरनी हिरनी चले चले अल्लड़ छोरी, चले मोरनी हिरनी चले चले अल्लड़ छोरी, चले मोरनी हिरनी चले चले अल्लड़ छोरी। हर बस गई किसी की रचाल दिल में, कर गई गोरी रगमाल दिल में, सेड़ी सेड़ी लगे है या पाल दिल में, कर गई गोरी रगमाल दिल में। छोटी बहन पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? लखन तेरे भी ठीक नहीं लग रहे, आजकल तेरे भी पंख ज्यादा निकल आए। और सुनो, आज के बाद ना तू पढ़ने जाएगी और ना तू पढ़ाने। क्यों नहीं जाऊंगी मैं पढ़ाने? मैं मना कर रहा हूँ इसलिए। आप क्या समझते हैं कि इस दुनिया में जो आप चाहेंगे वही होगा? हाँ, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं पढ़ाने जरूर जाऊंगी। मैंने कहा ना कि तू पढ़ाने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और तू एक बात भूल रही कि तेरी नौकरी मेरे इशारे पर लगी है। और सुन, वहां तुझे मैंने पढ़ाने भेजा था यार की करने, और हाल इसका भी यही है। अरे के बात होगी तुझे अंदर, क्यों छोरी पे बिगड़ रहा? अरे हैं तो ये सारे तेरे ही करम। इतनी फेरी कह लिया इनका, घर से बाहर जाना बंद कर, पराए घर जागी, काम काज सिखाओ इन्हें, पर मारी कोई सुने तब ना। अरे के बकवास कर रहा, कुछ कह भी रहा? अरे तेरी समझ में नहीं आने की, और समझ में इसके भी नहीं आ रही, लगे अब बात सारी मुझे ही समझानी पड़ेगी।
जी भैया। मैडम आज भी ना आई? नहीं भैया, मैडम तो नहीं आई। यार जस्सी तो पूछता कई दिन हो गए ट्यूशन पढ़ाने भी ना आई। पर भैया जस्सी भी तो कई दिन से नारी। कुसुम मैडम से मिलना मुझे। क्या बात है? वह मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ाने ना आ रही कई दिन से। अरे अब आने के बिना तू जा। क्यों? तबीयत वबीयत खराब है उसकी। अरे उसकी छोड़ तू अपनी सोच। अरे आज के बाद इस गांव के आसपास भी ना दिख जाइए। कमाल है भाई, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, तू चढ़ा जा रहा है। आराम से बात कर। तो तू बतावेगा हमें कैसे बात करी जा? अरे वह बात छोड़, तू मैडम को बुला। और ना बुला मैं तो मैं अपने आप मिल के जाऊंगा। अरे वहां ना मिलना चाहती तेरे से, उनने ट्यूशन टासन सब छोड़ दिए। मैं यह बात ऐसे नहीं मान सकता। तो कैसे मानेगा तू? अगर वह यह बात आके खुद कहवे तो। मारी कहीं नहीं मानने तू ना? अरे वहां ना तेरे से मिलना चाहती। अरे कौन ना मिलना चाहती? अरे कुसुम ने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया, यू हमारी बात मान के नहीं दे रहा। के बात है भाई? अजी ये कह रहे हैं मैडम ने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। अगर मैडम यह बात मेरे तक खुद आके कहवे तो मैं मान लूं और चला जाऊंगा। अरे के बात होगी, कुसुम को बुला दे, पढ़ाना होगा पढ़ा देगी, नहीं तो मना कर देगी। जरा बुला के ला। ठीक है। अरे रुक, अब क्या बात है? वो आया है तेरा आशिक। जय बड़ी तड़फ है उससे मिलने की। के पिला दिया उसने थोड़े से ही दिनों में, जो हम आज तक ना पिला सके। हमें तो देखने से भी चिढ़े तेरी आंखें। कितनी बेचैनी हो रही यार से मिलने की। उसकी बेचैनी मैं नीचे देख कर आया, वो तेरे से मिलने आया। पर तू उससे मिलना नहीं चाहती, यही बोलना नीचे जाके। और याद रख, तेरी जरा सी भी गलती वहां तेरे यार की लाश पड़ी होगी और यहां इस बुढ़िया की। कुसुम के बात है, तू कई दिन तक ट्यूशन पढ़ाने नहीं आई, वहां माँ पिताजी बहुत परेशान है। मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। पढ़ाना छोड़ दिया? हाँ मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। कुसुम मेरा तो ख्याल करा होता। कुसुम तुम चुप क्यों हो? मेरी तरफ देखो, मैंने चार दिन कैसे बिताए हैं? ये तो ख्याल करो। मुझे कुछ नहीं देखना, आप अपने घर वापस चले जाइए, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। कुसुम मेरी बात तो सुनो। कुसुम मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे नहीं मिलना। तेरे तक कमीनी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। भोले भाले चेहरे के पीछे छिपी नागिन है तू, नागिन। अपना कमीना चेहरा लेकर कभी मेरे सामने मत आना, वरना मेरे इन हाथों से खून हो जाएगा। खून अरे जल्दी से यहाँ से निकल जा, या कुछ और सुनना बाकी? जो सुना है उसी ने तो मेरे हाथ बांध दिए, वरना माँ कसम किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि मुझे उसे यहाँ से ले जाने से रोक सके।
सारा ले गई, हाय दिल वो हमारा ले गई। रूप का नजारा ले गई, हाय दिल वो हमारा ले गई। चैन वो सारा ले गया, हाय दिल वो हमारा ले गया। चैन वो सारा ले गया, हाय दिल वो हमारा ले गया। समझ ले मर जाऊंगा तन्हा मैं बिन तेरे, खुशबू हमेशा बदन तेरे की संग रहेगी मेरे। जग लूट के तू सारा ले गई, हाय कर जिसका तारा दे गई। रूप का नजारा ले गई, हाय दिल वो हमारा ले गई।
का नजारा ले गई है, दिल वो हमारा ले गई। रूप का नजारा ले गई बात हुई थी पिताजी। वो अरे तू घनी वो मत करे, मैं बहुत दुखी हूँ। तू मने नो बता के होया के था। चौधरी आजा, बढ़िया बात तो खुद ही चलाया, नहीं तो मुझे ही आना पड़ता तेरे दौरे। अरे भाई एक ही बात है, हम आवे तू आवे, फर्क क्या पड़ गया? तो बता क्या कहना चाह। भाई मैं लो कह रहा था कि तू तो मेरे लिए जय वीरू जैसा है, घर में कोई बड़ा बुड्ढा ना है उसे बुला ले। अरे घर का बड़ा सियाना साहब मैं ही हूँ, तू मुझे बता क्या कहना चाह। अगर ऐसी बात है तो हम तेरे से ही बात कर लेते हैं भाई। हाँ। मैं आया था वो लड़की जो तुम्हारे यहाँ रहती है ना कुसुम। हाँ। जो मास्टरनी है उसके रिश्ते के बारे में आया था, हमें वो पसंद है, अपने बड़े बेटे जय के लिए मैं रिश्ता मांगना चाहता हूँ। चौधरी बस आकर जबान नकार दिए, तू तो कन्हैया पे से बाहर हो रहा। अरे मैं तो ये सोच रहा गांव गवांड का मामला है, आया होगा माफी मूफी मांगने। माफी? अरे माफी का क्या मतलब, बालकों की नादानी है थारी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। अब तुम्हारा यू फर्ज है कि भाई राजी खुशी सुलझ जा तो उसका मजा ही और है। अरे घड़ी बकवास ना करे, अगर तेरी उम्र का लिहाज ना होता तो तेरे हलक से जबान काट लेता और तेरे वे दो लुसेर तेरी लाश उठा के ले जाते। अरे बस कर दुर्जिंदर बस कर, उन दोनों का नाम ना ले, मुझे डर इस बात का है कि तेरी बदतमीजी की भनक अगर उनके कानों में पड़ेगी ना तेरा खोज भी नहीं रहने देंगे धरती पे। इसका मतलब तू जाने का नहीं, तुझे भेजना ही पड़ेगा। जो तुम चाह रहे हो वही तो किया जा रहा है, पर कम से कम ये तो देखो तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। तुम्हें अपने से बड़े से बात करने की तमीज आनी चाहिए। सिखाएगी हमें तमीज? अरे ओ बदतमीज छोड़नी, तू इतना निकल कर गया कि कन्ने पर हाथ उठा हुआ है। तू नहीं जानता तूने क्या कर दिया कमीने। अरे अरे यू क्या कर रहे हो कमीने? आज मैं तुझे निकाल दूंगा, मेरे पिता को उठा। छोड़ दे, 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 छोड
तेरे में के पल करे जगह। देख कमीने, जिस इंसान पर तूने हाथ उठाना चाहा, आज उसी इंसान ने तेरे हाथों की लकीरों को बढ़ा दिया है। चलो पिताजी। रुक जाओ बेटा, रुक जा बेटा। अगर आज तू चला गया तो जो थोड़ी बहुत खुशियाँ हमारे जीवन में हैं, वो भी तेरी गैल चली जाएंगी। जो भी कहना खुल के को कह रही हूँ, आज मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए चाहे इज्जत। बेटा जय, कुसुम ने तेरे से जो कुछ भी कहा वो सब दुर्जेंद्र के दबाव में आकर कहा। दबाव? कैसा दबाव? हमारे खानदान पर एक दाग है। यू आप क्या कह रही? कुसुम के पिता ने शराब पीकर हम दोनों माँ बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की का बलात्कार कर दिया। जिसके आरोप में वो जेल काट रहे हैं और हम यहाँ छिप कर रह रहे हैं। दुर्जेंद्र हम पर धमकी देता है, यदि हम उसके कहे पर ना चले तो वो हमें भी जेल करा देगा, क्योंकि बलात्कार हमारी मौजूदगी में हुआ था। ये झूठ है, सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे खानदान पे कोई दाग नहीं है। दाग? दाग है तो खुद दुजेंद्र है, क्योंकि कुसुम के पिता जिस गुनाह की सजा जेल में काट रहे हैं, वो उन्होंने नहीं, खुद दुजेंद्र ने किया है। यू तू क्या कह रहा बेटा? माँ मैं सही कह रहा, मैंने दुजेंद्र को अपनी आंखों से दरोगा को रिश्वत देते हुए देखा और अपने कानों से सुना कि उसने कुसुम के पिताजी को शराब पियाई और शराब पियाने के बाद उस लड़की से बलात्कार किया। हाँ, कुसुम के पिता ने जुर्म किया तो बस इतना किया कि उसने दरवाजे की कुंडी बंद करी थी, और वो भी इसलिए करी थी कि कुसुम और उसकी माँ उसे दारू नहीं पीने देती थी। अगर आज मैं चुप रहता तो इनके साथ तो एक जुलम होता ही होता और मैं अपनी नजरों में सदा के लिए गुनाहगार हो जाता। सब समय का फेर है, जो नसीब में है उसे कुछ छीन नहीं सकता और जो नसीब में नहीं उसे कुछ दे नहीं सकता। मेरी समझ में तो यू आ रहा है अब कि कुदरत ने थारे भरम और दुख के सारे बादल अब छांट दिए, अब थारी जिंदगी में खुशी खुशी होनी चाहिए। जो बात मैं पहले कहना आया था वही अब कह रहा हूँ। अब कुसुम बिटिया हमें बहुत पसंद है और हम इसका रिश्ता हाथ जोड़ के अपने बेटे जय के लिए मांग रहे। ये तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी कुसुम की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर कुसुम के पिता होते तो वे कुसुम को बड़ी धूमधाम से विदा करते। कैसी बात कर रहे हैं आप? जैसी जैसी मेरी बाण है ऐसी कुसुम है, और कुसुम का कन्यादान मैं जैसी तभी बढ़िया करूँगा। बेटे जय, यू तो भगवान ने टाइम पे ही सुन ली और तावड़ा ही फैसला होगा, और ना तो तू तुम्हारे सारे भांडे बेच देता। पिताजी वो, हाँ वो पिताजी, अरे के वो कर रहा तू, क्या रह गया तेरा? वो उस दिन 10 रुपए ही थे। हाँ वो मैंने जस्सी को दे दिया सगुन के तौर पे। ओ अच्छा, अरे तू तो बहुत कमाल कर गया भाई, तू तो बड़ा जिम्मेदार होगा। अरे बेवकूफ के बच्चे, तू खुद तो पढ़ा नहीं, अरे इनको तो पढ़ लिख लेंगे। टाइम आवेगा जब तेरी जवान भी रखी जाएगी, सारे काम ठीक होंगे। कम से कम एक गधे को तो घोड़े पर बैठा लेने दे मुझे।